हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल नेचुरली हेल्दी में। मैं डॉक्टर राघव पुजारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं पेट की चर्बी यानी कि सेंट्रलाइज्ड ओबेसिटी के बारे में। ज़्यादातर लोगों का प्रश्न ये होता है कि सर, सारी मेहनत करने के बाद सभी जगह से कुछ चर्बी कम हो भी जाती है लेकिन हमारे पेट के एरिया से चर्बी कम कभी नहीं होती है, तो इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रीज़न है इसका साइंटिफिकली और सिंपल लैंग्वेज में। बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी कम होने न होने का एक सबसे बड़ा कारण है, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस होने के कारण एक कॉर्टिसोल नाम का स्टेरॉयड हार्मोन हमारे बॉडी में होता है, वो रिलीज होता है और जितना स्ट्रेस ज़्यादा उतना वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है और उसका काम है हमारे चयापचय को कंट्रोल करना और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बचाना। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तरीके से काम करता है। तो वाइटल ऑर्गन्स को बचाने के लिए वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के आसपास फैट ज़्यादा डिपॉजिट करने लगता है, एक्युमुलेट करने लगता है और इसी वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो कि हमारे पेट के अंदर हैं, इसी वजह से वहाँ पर चर्बी का थर ज़्यादा हो जाता है। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी ये कुदरत की एक अद्भुत कलाकृति है, एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है जिसके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें इसके बारे में जानते रहना चाहिए ताकि हमें इस बॉडी की वैल्यू बरकरार रहे। तो हमारे बॉडी के अंदर कुदरत ने एक भी चीज़, एक भी पार्ट, एक भी पुर्जा ऐसा नहीं बनाया कि जो वेस्ट मटेरियल हो, जो बिल्कुल हमारे काम में ना आता हो। शायद इसी वजह से हमारे बॉडी में से फैट को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों जब बॉडी फैट हमारे शरीर में इकट्ठा होती है तो वो हमारे बॉडी का एक पार्ट बन जाती है, वो हमारे बॉडी का एक अभिन्न अंग होता है और हमारे शरीर के किसी पार्ट को हमारे शरीर से दूर करना ये एक्चुअली मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए वेट रिडक्शन ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ आपको कि क्यों ये बढ़ता है और क्यों ये किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं। तो वज़न बढ़ने का और चर्बी का प्रमाण बढ़ने के कई सारे कारणों में से एक सबसे बड़ा रीज़न जो है, सबसे बड़ा कारण जो है वो है स्ट्रेस। जैसे ही हमारे जीवन में स्ट्रेस का प्रमाण बढ़ने लगता है वैसे वैसे हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। हमारा डाइजेशन लेवल, हमारा पाचन तंत्र, चयापचय की प्रक्रिया, ये सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है। क्यों होने लगता है ये डिस्टर्ब? क्योंकि जैसे जैसे हमारे बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे एक कॉर्टिसोल नाम का स्टेरॉयड हार्मोन जो हमारे बॉडी में काम करता है वो रिलीज होने लगता है। वो कॉर्टिसोल हार्मोन का काम है हमारे बॉडी की रक्षा करना, स्ट्रेस के प्रभाव को, स्ट्रेस का जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है उसे रोकने का उसका काम है और वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे हैं उसे संभालना वो उसका काम है। इसके साथ साथ कई सारे उसके कामकाज हैं, उसमें से एक बहुत महत्व का काम है वो है चयापचय की क्रिया यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस का प्रमाण बढ़ता है तब तब ये हार्मोन एक्टिवेट होता है। तो इसके एक्टिवेट होने की वजह से जैसे ही स्ट्रेस बढ़ा तो ये तुरंत ही स्ट्रेस से होने वाली इफ़ेक्ट को कम करने का काम शुरू कर देता है। लेकिन हमारे स्ट्रेस का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये हार्मोन को लगता है कि ये हमारे कंट्रोल के बाहर जा रहा है अब, तब वो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी है, लीवर है, हमारा स्टमक है, हमारी स्प्लीन है, ऐसे कई सारे वाइटल ऑर्गन्स को बचाने के लिए वो उसके आसपास एक चर्बी का लेयर बनाने लगता है, चयापचय की क्रिया को डिस्टर्ब करके उसमें से चर्बी का प्रमाण ज़्यादा बनाना शुरू करता है और उस चर्बी को हमारे वाइटल ऑर्गन्स के आसपास लगाना शुरू कर देता है। और ज़्यादातर वाइटल ऑर्गन्स हमारे पेट के अंदर रहे हैं, तो पेट के अंदर ज़्यादातर वाइटल ऑर्गन्स रहने की वजह से हमारे पेट के आसपास चर्बी इकट्ठा होती जाती है और वो हमारे पेट के वाइटल ऑर्गन्स की सुरक्षा के लिए वो बनाए गए हैं, चर्बी बनाई गई है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे शरीर की सुरक्षा व्यवस्था के भाग के तहत वहाँ पर चर्बी इकट्ठा की गई है। यानी कि और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो हमारा लीवर है वो अगर कमज़ोर पड़ गया है, अगर स्ट्रेस की वजह से वो कमज़ोर पड़ गया है
या फिर और कोई भी कारण हो, ज़्यादा लिकर लेने की वजह से, ज़्यादा कुछ केमिकल वाली चीज़ें खाने की वजह से अगर हमारे लीवर का पार्ट कमज़ोर होने लगा है, तो उसको डायरेक्ट कोई हानि ना हो इसकी वजह से वहाँ पर चर्बी का थर ज़्यादा बनाया जाता है। दोस्तों हमारे हार्ट के ऊपर एक पूरा पिंजरा बनाया हुआ है जिसकी वजह से उसको कोई घात नहीं हो सकती, लेकिन हमारा पेट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर कोई हड्डी नहीं है ऊपर, और हड्डी नहीं होने की वजह से कहीं से भी कोई भी घात आती है, कोई भी चीज़ हमारे पेट के साथ टकराती है, कोई फाइट मार देगा, कोई कुछ हिट कर देगा, तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, डायरेक्ट वो एरिया पे लगेगा, और इसीलिए वहाँ पे उसको बचाने के लिए उस एरिया को ज़्यादा कवर किया जाता है। तो नेचुरली अगर हमारा लीवर मजबूत होगा तो वहाँ पे कम फैट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हमारा लीवर, हमारा स्टमक, हमारा डाइजेशन ये कमज़ोर होगा और उसके ऑर्गन्स कमज़ोर होते जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ पर ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक हम उस एरिया को मजबूत नहीं करते, उस इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत नहीं करते, तब तक हमारे पेट की चर्बी कम होना मुश्किल है। अब ये डाइजेशन वीक होना या वाइटल ऑर्गन्स कमज़ोर होने की वजह स्ट्रेस भी हो सकता है, और इसके और भी कई सारे रीजंस हैं। कई बार ज़्यादा मेडिकेशन के वजह से भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कमज़ोर होते हैं, हमारी आदतों की वजह से कमज़ोर होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से कमज़ोर होते हैं, तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं। लेकिन कोई भी रीज़न हो, महत्व की बात यह है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को हमें मजबूत बनाना चाहिए, और वो मजबूती अगर इंटरनली आएगी तो हमारे बॉडी की फैट, हमारे पेट की फैट ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिलीज होती जाएगी, और बहुत जल्दी हमारा पेट फ्लैट हो सकता है। तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। इसके अलावा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट, क्योंकि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट डायरेक्ट हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे इफ़ेक्ट करती है, हमारे ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट करती है, और इसके साथ साथ वो स्ट्रेस भी रिलीज़ करती है। तो स्ट्रेस रिलीज़ करने के कई सारे जो नुस्खे हैं, उसके लिए तो एक अलग वीडियो चाहिए होगा, वो हमें अपनाने चाहिए। स्ट्रेस किसी न किसी तरह से रिलीज़ करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स मजबूत होते जाए, उसके लिए ऐसा खाना, ऐसा आहार, ऐसा विहार, ऐसा मनोव्यापार, ऐसी सोच हमें बढ़ानी चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह पाए, हेल्दी रह पाए, और हमारा पेट, हमारा बैली बेल्ट फ्लैट हो सके। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है, और अगर हम पेट की चर्बी कम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें ये बात को ध्यान में रखना होगा। इसमें पोस्चर्स का भी महत्व है। पोस्चर्स अगर कई बार हमारे गलत हो जाते हैं, मैं अगर चेयर के ऊपर इस तरह से बैठा रहूँगा तो नेचुरली मेरे ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसको कंटिन्यूस प्रेशर आता रहेगा, और उसकी वजह से उसकी वीकनेस बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही पोस्चर मेरा करेक्ट हो जाता है, वैसे ही वो ऑर्गन्स भी रिलीज हो जाते हैं और उनको स्ट्रेंथ भी मिलने लगती है। तो ये भी एक रीज़न है। इसी तरह के सारे रीजंस अगर हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे तो हमारी बैली फैट बहुत इजीली रिलीज हो जाएगी। तो इसके लिए मेहनत करते रहिए। पेट ये साइंस है। इस साइंस को समझने के बाद अगर हम कोई भी मेहनत करते हैं पेट कम करने के लिए या वेट कम करने के लिए, तो वो मेहनत हमारी यूज़फुल होगी, उससे हमारा वेट और पेट दोनों कम हो सकता है। तो सेंट्रल ओबेसिटी इस तरह से हम रिलीज़ कर सकते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से, और हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड हेल्थ को हमें सिंप्लीफाइड करके हमारे दिमाग में सेट करना होगा। हेल्थ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। हमें इसके बारे में एजुकेट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो हम नेचुरली हेल्दी रह पाएंगे। तो आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, सदा मुस्कुराते रहें, और बी हेल्दी, स्टे हेल्दी, कनेक्टेड विथ नेचुरली हेल्दी चैनल। ये जानकारी सभी को दीजिए और सभी को हेल्दी रहने का प्रोत्साहन दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।